क्या आप हमेशा एक ही तरीके से सोयाबीन की सब्जी बना बना के थक चुके हैं? तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एकदम न्यू रेसिपी शेयर करने वाली हूँ सोयाबीन की, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होने वाली है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो सबसे पहले सोयाबीन को 5 से 6 मिनट के लिए बॉयल कर लेना है, और उसके बाद इस तरीके से उसका पानी दोनों हाथों के बीच में दबाते हुए निकाल लेना है। सभी सोयाबीन को इस तरीके से हमें अलग कर लेना है, ये देखिए। उसके बाद एक बाउल लेंगे और उस बाउल में एक कटोरी भर के दही डालेंगे पहले। उसके बाद इसमें थोड़े से मसाले जैसे कि धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, हल्का सा गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर। उसके बाद नमक डालेंगे और 1 बड़े चम्मच कसूरी मेथी डाल देना है। उसके बाद अगर आपके घर में फ्रेश मलाई है तो दूध के ऊपर वो ऐड इसमें कर दीजिए। और उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट 1/2 चम्मच और 1 चम्मच ऑयल ऐड कर देंगे। यहाँ मैं मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, ये देखिए। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसमें सोयाबीन ऐड कर देंगे। हमें सोयाबीन को मैरिनेट करके रखना है 10 से 12 मिनट के लिए। और उसके बाद आप ये देख सकते हैं, 2 मीडियम साइज़ के प्याज और शिमला मिर्च को इस तरीके से रफली कट करके आप इसमें मिक्स कर दीजिए। उसके बाद अच्छे से इसे मिक्स करके और हमें, जैसा कि मैंने कहा, 10 से 12 मिनट के लिए मैरिनेट करके हम इसे साइड में रख देंगे ढक के। चलिए, अब जैसे ही 10 से 12 मिनट हो जाए उसके बाद हमें एक कढ़ाई चढ़ानी है। उसमें 1 बड़े चम्मच ऑयल डालेंगे और उसके बाद ये सभी मिक्स किया हुआ सोयाबीन को हम इसमें ऐड कर देंगे। और उसके बाद इसे 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भून लेना है अच्छे से। 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे और आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये भून रहा है बहुत अच्छे से, और हमारा प्याज शिमला मिर्च भी पक जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और हमें फिर से तड़का लगाना है। तो उसके लिए एक कढ़ाई में 1 चम्मच ऑयल, जीरा, तेज़पत्ता और 1 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक कट करके हमें इसमें तड़का लगा देना है। उसके बाद प्याज को हल्का सा ब्राउन होते ही हमें इसमें हल्का सा हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का यूज़ करेंगे यहाँ पे। और उसके बाद टमाटर की प्योरी ऐड कर देनी है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लेने हैं, उसकी प्योरी बना के हम यहाँ पे इसमें ऐड कर देंगे। और उसके बाद 1 से 1.5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसे भूंज लेना है। उसके बाद जैसे ही इस तरीके से कंसिस्टेंसी हो जाए उसका कलर, उसके बाद हमें सोयाबीन को ऐड कर देंगे जो हमने भूंज के रखा है। और ये देखिए, अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपको ड्राई रखना है तो आप यहीं पे हल्का सा गरम मसाला ऊपर से ऐड करके, धनिया पत्ता ऐड करके आप निकाल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा तरी वाली बना रही हूँ, ग्रेवी वाली, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 गिलास पानी ऐड किया है इसमें। और पानी ऐड करने के बाद बॉयल आते ही हमें इसमें हल्का सा गरम मसाला ऐड करना है और फ्रेश धनिया पत्ता ऐड कर देंगे ऊपर से। और उसके बाद 2 से 3 मिनट तक ही इसको बॉयल करना है। उसके बाद ये देखिए, एकदम बहुत अच्छे से हमारी सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। टेस्ट में भी डिफरेंट और बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है इसका। आप लोग ज़रूर से एक बार ट्राई कीजिएगा, और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये देखिए कितनी ज़्यादा अच्छी है। तो चलिए फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। कैसी लगी वीडियो ज़रूर से बताइएगा।